हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं जवान होने। तो ये देखिए हमारे पीछे आइनॉक्स है। जवान होने आए हैं, जो सॉरी जवान देखने आए हैं। तो चलिए देखते हैं जवान। शाहरुख खान बोल रहा है कि हम जवान है, लेकिन है उम्र उसका 57 ईयर्स। देखते हैं वो जवान है कि बुढ़ायल है। चलिए हम लोग आइए, हमारे दादाजी है इधर, इधर हमारे दादाजी है। तो दादाजी के साथ बने और फिल्म देखने के बाद रिव्यू करते हैं दोस्त। तो ये देखिए हमारे सारे भाई लोग आ गए हैं जवान देखने के लिए। एंट्री कर चुके हैं। तो हमारा टिकट बॉक्स ऑफिस से नहीं है दोस्तों, हमारा टिकट है पेटीएम वाला। ये देखिए हमारे दादी अम्मा निकली है जवान देख करके। जवान, जवान, जय जवान। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो मैं आज बकचोदी नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ वीडियो बनाऊंगा। तो ये देखिए, एक्शन देखे भैया, एक्शन ही एक्शन है, क्योंकि इसमें साउथ का विलन है, समझे। और आगे देखिए, इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में दीपिका पादुकोण की अहम भूमिका है, जो कि सुपर डुपर हिट बनाती है। और ये लीजिए हमारे संजय दत्त को देखिए, इनका सीन 3 से 4 मिनट का है। और संजय दत्त भी है, ट्रेलर में तो संजय दत्त का सीन ही नहीं है, नहीं तो ये फिल्म और ही सुपर डुपर हिट होती। भाई हम इस फिल्म को इसलिए देखने गए थे, लीजिए सुनिए। जी इससे पहले आर्यन ड्रग्स मामले में पकड़ाया था, इसलिए हम देखने गए थे। आखिरकार शाहरुख खान किसको बोल रहा है, समीर वानखेड़े को या अपने बेटे को? लेकिन यहाँ तो भाई पूरा मजा ही मजा है। शाहरुख खान का यहाँ डबल रोल है, जो कि फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाती है। बाबा, अच्छा एक बात बताओ, बेटा पापा को नहीं जानता, वो सुना था, बाप बेटे को नहीं पहचानता है, ऐसा कैसे? हेलो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। हम फिल्म जवान के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 7 तारीख को रिलीज हुआ और बहुत ही सुपर डुपर हिट है। इस फिल्म को हम भेदभाव के नज़रिया से नहीं देख सकते हैं। इस फिल्म में हमें यह दिखाया गया है कि बैंक वाले हमें किस तरह से लोन देते हैं और किस तरह से वसूली करते हैं, और किसान के बारे में बताया गया कि किसान आखिर आत्महत्या क्यों करती है। इस फिल्म में हमें यह दिखाया गया है कि हमारे देश के नौजवानों को जो बॉर्डर पे रहते हैं, उनको नकली गन कैसे सप्लाई किया जाता है, ये दिखाया गया है। और हमारे देश में नेता लोग किस तरह से भ्रष्टाचार फैला रखे हैं, ये दिखाया गया है। ईवीएम के बारे में बताया गया है। और इस फिल्म में शाहरुख खान का डबल रोल है और संजय दत्त भी है। ट्रेलर में तो संजय दत्त का सीन ही नहीं है, नहीं तो ये फिल्म और ही सुपर डुपर हिट होती। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।